बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह जी, मस्जिद अल नबी शरीफ का बड़ा खूबसूरत, बड़ा रुख परवर मंज़र आप देख रहे हैं। और आज जुमातुल मुबारक का बड़ा मुबारक दिन है। और देखिए जी, आसमान पर मुकम्मल तौर पर बादल छाए हुए हैं। मदीना पाक का जो आसमान है उसको बादलों ने मुकम्मल तौर पर घेरा हुआ है। ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो गुज़िश्ता रात है, इस रात से जो मदीना पाक के आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की सी जो बूंदें गिर रही हैं अभी इस वक्त भी, तो बहुत ज़्यादा अमकान है कि आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदीना शहर में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। जिस तरह से ये आसमान पर बादल छाए हुए हैं, देखिए हर तरफ आपको बहुत गहरे बादल नज़र आएंगे। दुआ है रबीउल जलाल से कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को, तमाम आशिकाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हजूम नज़र आएगा, औरतों का, मर्दों का, चूँकि आज जुमातुल मुबारक है। इधर के जो मकामी लोग हैं वो भी मदीना पाक में जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए आते हैं, और उमरा भी बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह उमरा ज़ायरीन भी बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं। तो इसी सिलसिले में फिर बहुत ज़्यादा जो है रश हो जाता है। इस जानब आपको भी बहुत ज़्यादा कम जो है वो लोग नज़र आ रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर लेडीज़ का एंट्रिंग पॉइंट है रियाज़ुल जन्नत के लिए, वहाँ पे औरतों को जमा किया जाता है। मर्दों का और औरतों का एक ही जगह पर एंट्री पॉइंट है, लेकिन फजर के बाद और इशा के बाद औरतों को रियाज़ुल जन्नत के लिए अपॉइंटमेंट दी जाती है। और मर्दों का जो है वो दिन को 12 बजे से ले कर रात इशा तक, और उसके बाद फिर रात को 12 बजे से लेकर सुबह फजर तक मर्दों का। ये इस जानब आप देखिए, ये तमाम औरतें बैठी हुई हैं, ये सारा उनका वेटिंग एरिया है। इस तरफ सामने ये जन्नतुल बकी की वो बैरूनी द्वार आप देख रहे हैं। माशाल्लाह जी, ऐसा खूबसूरत मंज़र, ऐसा नज़ारा, ऐसा पुरकशिश नज़ारा कायनात में आपको कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए माशाल्लाह सामने जी गुंबद हज़रत शरीफ, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी। दुआ है रबीउल जलाल से कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को, तमाम आशिकाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बहादुरी नसीब फरमाए। जो भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दर अज़ीम की हाज़िरी के मुश्ताक हैं, अल्लाह पाक तमाम को इस दर अज़ीम की बात बहादुरी नसीब फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक हमें नेकमल करने की तौफीक अता फरमाए, पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जी माशाल्लाह जिन दोस्त अहबाब ने मुझे दुआ के लिए कहा था, अल्लाह पाक उन सब की तमाम नेक दुआओं को, नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए, आमीन। आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।